सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। बुरा बोलना तो सभी जानते हैं, जो अच्छा बोले वो बिगड़ेल ही मिलते हैं। जिंदगी में खुश रहना है तो पहले उन्हें भूलना होगा जो आपको भूल गए। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। आज का पंचांग 9 जून 2023 दिन शुक्रवार, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, शाम 4:21 तक रहेगी। इसके उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। धनिष्ठा नामक नक्षत्र शाम 5:09 तक रहेगी। इसके उपरांत शतभिषा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:30 से 11:31 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:51 से 12:46 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर सुबह 2:02 तक रहेगी। इसके उपरांत कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगी। सिंह राशि 9 जून 2023 दिन शुक्रवार, पिछला घटनाक्रम कुछ ऐसा रहा है कि आपका आत्मविश्वास डगमगा गया है। इसके चलते आज कोई भी काम खुशी से और संतोषजनक ढंग से पूरा नहीं हो पाएगा। कोई ऐसा भी मिलेगा जिसकी नकारात्मक टिप्पणियों से आप और भी निराश महसूस करेंगे, लेकिन चिंता ना करें, यह अस्थायी चरण है और आप जल्द ही अपना आत्मविश्वास वापस पा लेंगे। पिछले कुछ समय से चल रही परेशानियां आपकी सकारात्मक तथा संतुलित कार्य प्रणाली द्वारा काफी हद तक सुलझ जाएगी और आप अन्य गतिविधियों पर भी फोकस कर पाएंगे। घर के वरिष्ठ सदस्यों का भी आशीर्वाद और मार्गदर्शन बना रहेगा। परिवार संबंधी समस्या हल होगी। आपसी संबंधों को सुधारते समय पुरानी बुरी बातों का जिक्र ना करें। आध्यात्मिकता की ओर आपका झुकाव रहेगा। मानसिक शांति मिल सकती है। जरूरी बातों को नजरअंदाज ना करें। संवाद कौशल बेहतर बनने से मार्केटिंग से जुड़े काम आसानी से आगे बढ़ने लगेंगे। रिलेशनशिप के कारण परिवार के लोगों के साथ विवाद हो सकता है। पेट संबंधी तकलीफ बढ़ने की संभावना है। सावधानियां, किसी मित्र अथवा रिश्तेदार की गलत सलाह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। बेहतर होगा कि अपनी डिसीजन को ही सर्वोपरि रखें। स्वभाव में ईगो और अति आत्मविश्वास जैसी नकारात्मक बातें आपको किसी उलझन में डाल देगी। बात करते हैं लव लाइफ की। परिवार वालों के बीच आपसी समझ और प्यार घर में और अधिक खुशहाली लाएगी, परंतु प्रेम संबंधों में कभी कभी अविश्वास जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आप पिछले काफी समय से किसी के जबरदस्त प्रशंसक हैं, लेकिन कुछ घटनाओं से आपको ऐसा लगा है कि आपने उसके चक्कर में बस अपना समय व्यर्थ किया है। जिस पर आप इतना ध्यान और पैर न्यौछावर कर रहे हैं वह इसके लायक नहीं है। उनसे बेहतर को ढूंढे। आपको कोई ऐसा साथी चाहिए जो आपको भविष्य की ओर देखने में मदद करे और जिसका मानसिक स्तर उच्च हो। बात करते हैं करियर की। आप जो चाहते हैं वो सब कुछ हासिल करने की आप में शक्ति है। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं इस तरफ ध्यान मत दें। वे लोग इस तरह का दिखावा कर सकते हैं कि जिससे आपको नीचा देखना पड़े, पर अंदर से वे जानते हैं कि आप में अपार प्रतिभा है। अपने आत्मविश्वास का आनंद लें, क्योंकि आपका खेल खेलने से पहले ही जीतना तय है। कारोबार को लेकर परिस्थितियां जल्दी ही आपके फेवर में होगी। खुद के टैलेंट को साबित करने का मौका मिलेगा। बिजनेस में निवेश होगा। नौकरी पेशा लोगों को अपनी ऑफिस की व्यवस्था मन अनुकूल ना होने से तनाव रहेगा। बात करते हैं सेहत की। गैस और एसिडिटी की समस्या आपकी दिनचर्या को अस्त व्यस्त कर सकती है। हल्का और सुपाच्य भोजन ग्रहण करें। आयुर्वेदिक इलाज लेना उचित रहेगा। आज के दिन अपने साथ बहुत सी सकारात्मक भावनाएं लाएगा और आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा। मानसिक रूप से खुश होने के कारण आप
अच्छी सेहत का भी आनंद ले पाएंगी। हालांकि आपको अपनी पोश्चर पर ध्यान देना होगा। आज का उपाय, आज आप माता लक्ष्मी जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।